थोड़ा सा समय और है, बस मैं शुरू करने वाला हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले, उसके बाद में आज के वचन को शुरू करूंगा। हालेलुया। अब जो लोग आते रहेंगे मैं एडवांस में उनका स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने के लिए मुझे शक्ति बल सामर्थ देना। प्रभु जी मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। प्रभु जी मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि प्रभु जी वो गुण भेद की बातें जो तेरे वचन में, बाइबल में प्रभु जी छिपी हैं, प्रभु उन सारी गुण भेद की बातों को हम लोग जाने और इन बातों को जानकर प्रभु जी अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, और तुझसे वो आशीष और बरकतें पाए जो तू हमें देना चाहता है। प्रभु जी बिजली को, लाइट को प्रभु जी और इंटरनेट को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी, इसमें कोई भी गड़बड़ी ना आए प्रभु जी, पूरा मैसेज हो ना पाए प्रभु, और जो लोग आ रहे हैं प्रभु जी जो इस मैसेज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी उनकी ओर भी दृष्टि कर, उनको भी समय दे प्रभु, ताकि आज के मैसेज को सुने और अपने जीवन में वो आशीष पाए जो तू आज हम सबको देना चाहता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, और वो वचन है भजन संहिता 85 अध्याय, भजन संहिता 85 अध्याय, और उसकी मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। हालेलुया। भाई इतना सा छोटा सा वचन है ये, इसको हम यहीं पर ही छोड़ेंगे और इसको फिर हम बाद में इसको हम दोबारा से इस वचन के ऊपर आएंगे। लिखा है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। आज हम उत्तम पदार्थ के विषय में बातचीत करेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम पदार्थ देता है, तो वो उत्तम पदार्थ क्या है वो बात की बात है, लेकिन आज इस वचन को हम यहीं छोड़ेंगे। भजन संहिता 85 अध्याय और उसकी 12 आयत को मैंने सबसे पहले लिया है, और इस वचन को हम अभी हम साइड में रखते हैं, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। उसके बाद आज हम सबसे पहले देखेंगे शराब के विषय में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। मेरे साथ बने रहिएगा और प्रार्थना में बने रहिएगा कि परमेश्वर कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आज के वचन में ना आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। शराब क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शराब क्या है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं एक बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ और यहाँ पर रोड है नीचे, यहाँ पर गाड़ियां वगैरह आएंगी जाएंगी, हॉर्न की आवाज भी आएगी, गाड़ी की आवाज भी आएगी, आप उसे इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ मेरी आवाज को सुनिएगा। हालेलुया। हम देखेंगे सबसे पहले कि शराब क्या है। तो बाइबल में शराब शब्द तो नहीं है, लेकिन मदिरा शब्द आया है, और भी शब्द आया है, उसके विषय में मैं बाद में बात करूंगा। तो शराब क्या है, मदिरा, सुरा, शराब, ये अल्कोहलीय पेय पदार्थ है। इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, रम, विस्की, महुआ, ब्रांडी, जीन, बियर, हंडिया आदि सभी एक ही हैं, क्योंकि सब में अल्कोहल होता है। इन सब में क्या होता है, अल्कोहल होता है। हाँ, इनमें अल्कोहल की मात्रा और नशा लाने के लिए अपेक्षित क्षमता अलग अलग जरूर होती है, किसी में बढ़ा दी जाती है, किसी में घटा दी जाती है, परंतु सभी को हम शराब ही कहते हैं। कभी कभी लोग हंडिया या बियर को शराब से अलग समझते हैं, सोचते हैं बियर शराब नहीं है, लेकिन यह गलत है, बियर भी शराब होती है, और दोनों में अल्कोहल तो होता ही है, इसलिए वो भी शराब है। शराब अक्सर हमारे समाज में खुशी और गम दोनों अवसरों पर पी जाती है, ज्यादातर शुरुआत दोस्तों के प्रभाव या दबाव के कारण होता है। जब शुरुआत करता है इंसान शराब पीना, तो वो दोस्तों के प्रभाव में आकर या उनके दबाव में आकर पी ले, यार कोई नहीं देख रहा तेरे को, कोई नहीं देख रहा, देखी जाएगी, ये शब्द हम ज्यादा यूज करते हैं, देखी जाएगी, और वहां पर क्या होता है, दोस्तों के साथ शराब को पीना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं कि लिखा है कि खुशी और गम दोनों अवसरों पर पी जाती है, ज्यादातर शुरुआत दोस्तों के प्रभाव या दबाव के कारण होता है, और बाद में भी कई अन्य कारणों से लोग इसका सेवन जारी रखते हैं, जैसे बोरियत मिटाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, डिप्रेशन में, चिंता में, क्रोध आने में, आत्मविश्वास लाने के लिए या मूड बनाने के लिए शराब का सेवन लोग करते रहते हैं। हालेलुया। तो इसके अतिरिक्त शराब के सेवन को कई समाज में धार्मिक व अन्य सामाजिक अनुष्ठानों से भी जोड़ा जाता है, परंतु कोई भी समाज या धर्म इसके दुरुपयोग की स्वीकृति नहीं देता। हालेलुया। तो ये है शराब,
ये शराब जिसमें अल्कोहल होता है ये एक केमिकल होता है उससे बनाई जाती है, और यीशु मसीह ने कोई भी केमिकल बाइबल में यूज नहीं किया है। इसके विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। हालेलुया। तो आज ध्यान से सुनिएगा आज के इस मैसेज को। अब हम देखेंगे कि शराब पीने से क्या होता है, हमारे शरीर पर क्या असर होते हैं शराब पीने से। तो सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं, शराब तेजी से खून में घुल जाती है। शराब जो है वो तेजी से खून में घुल जाती है, उसके बाद ये शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। पहले ये खून में घुलती है, उसके बाद शरीर के सारे हिस्सों में पहुंच जाती है, और जो हमारा पेट है, मनुष्य का जो पेट है उसका वो 10% अल्कोहल को सोख लेता है। जितना भी हम पीते हैं उसका 10% अल्कोहल को हमारा पेट क्या कर लेता है, सोख लेता है, और बाकी शराब छोटी आंतों में चली जाती है। बाकी शराब कहाँ चली जाती है, छोटी आंतों में। लीवर जो है हमारा वो 15 मिलीलीटर प्रति घंटा शराब मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म, अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उपचय ऊर्जा को प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंश का निर्माण करता है मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद हम देखते हैं जिससे शराब एसिटाल्डिहाइड में बदलती है। किस में बदल जाती है, एसिटाल्डिहाइड। अब देखते हैं एसिटाल्डिहाइड क्या है। शराब पीने से शरीर के डीएनए में गड़बड़ी हो जाती है। डीएनए के इस गड़बड़ी के कारण कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये खुलासा एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने अध्ययन के आधार पर किया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अभी तक ये मालूम चला था कि शराब से कोशिकाओं में परिवर्तन आ जाता है जिससे कैंसर का खतरा होता है, लेकिन अब रिसर्च से सामने आया है कि शराब पीने से इंसान के जीन्स यानी डीएनए में खराबी आ जाती है जो कैंसर को जन्म देती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एमसीआर लेबोरेटरी में चूहों पर शराब से जुड़ी ये रिसर्च की। उन्होंने चूहों को पानी मिली हुई शराब यानी इथेनॉल दिया, इसके बाद उनके शरीर में पैदा हुआ एसिटाल्डिहाइड और वो उसे कहते हैं कंपाउंड से चूहों के क्रोमोसोम्स और डीएनए की बनावट में हो रहे बदलावों को रिकॉर्ड किया गया। और एसिटाल्डिहाइड एक हानिकारक तत्व होता है जो तब बनता है जब शराब ने पाया कि शराब के पाए जाने वाले डीएनए के स्टेम सेल को खराब कर देता है। बता दूं कि स्टेम सेल यानी मूल कोशिका डीएनए का सबसे जरूरी हिस्सा होती है। स्टेम सेल जो होते हैं वो डीएनए का सबसे जरूरी हिस्सा होती है, पर वहीं पर ही क्या होता है, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये है एसिटाल्डिहाइड। ये कब बनता है, जब मेटाबॉलिज्म होकर वो शराब हमारा डीएनए खराब हो जाता है, और जब डीएनए खराब हो जाता है तब वहां पर कैंसर के बढ़ जाने का खतरा ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, इससे सर हिस्से ठप हो जाते हैं दिमाग के, यानी कि जो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, उसके ज्यादातर हिस्से ठप हो जाते हैं। ऐसी हालत में व्यक्ति ऐसा बर्ताव करता है जो होश में शायद ही करे, तरह तरह की हरकतें करना, वो तरह की सब हम जानते हैं कि शराबियों के अंदर जो ज्यादा शराब पीते हैं उनके अंदर कैसी हरकतें होती हैं। और लगभग 200 बीमारियों का खतरा शराब पीने से होता है। ज्यादातर सेवन शराबी की प्रतिरोधी क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है उसे वो समाप्त कर देती है, लगभग कम कर देती है, और इसके चलते न्यूमोनिया और टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब के सेवन से यौन संबंधों में रिस्क लेने की संभावना बढ़ जाती है, और एचआईवी तथा दूसरे और अनेकों बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, और मौत का कारण भी बनती है शराब। कई बार शराब को ज्यादा नशीली बनाने के लिए इसमें ऑक्सीटोसिन एक केमिकल होता है, ऑक्सीटोसिन वो मिला दिया जाता है जो मौत का कारण बनती है। हाल के वर्षों में ऑक्सीटोसिन को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि ऑक्सीटोसिन से नपुंसकता या नामर्दी
और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसके सेवन से आंखों में जलन, खारिश, पेट में जलन हो सकती है और लंबे समय से इससे आंखों की रोशनी या अंधापन भी हो सकता है। हालेलुया। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है हम लोगों के लिए। और आगे भी मैं बताता हूँ, कच्ची शराब में यूरिया और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल पदार्थ मिलाने की वजह से मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, जो लोगों की मौत का कारण बन जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मिथाइल शरीर में जाते ही केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है, इससे शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं और तुरंत मौत हो जाती है। हालेलुया। शराब की जो इफेक्ट है उसको हम देखेंगे क्या है। शराब शरीर और परिवार और आत्मा, शराब जो है शरीर, आत्मा और परिवार तीनों के लिए विनाशक तत्व है। इससे पीने वाला इतना प्रभावित नहीं होता जितना उसका परिवार या समाज प्रभावित होता है। शराब से पैसे की और समय की बर्बादी होती है, क्योंकि ये कहीं भी मुफ्त नहीं मिलती, कहीं भी मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। शराबी व्यक्ति कहीं काम काज नहीं कर सकता, क्योंकि शराबियों को ना कोई प्राइवेट कंपनी रखती है ना सरकार। इस हाल में परिवार में पैसे की तंगी हाली शुरू हो जाती है। नशे के आदि मनुष्य को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हर हाल में शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। हालेलुया। इस परिस्थिति में फिर वह घर के सामान बेचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे चोरी भी करनी शुरू कर देता है। यह वह परिस्थिति है जिसमें परिवार में लड़ाई झगड़ों का आरंभ हो जाता है और शराबी इंसान की पत्नी और बच्चे इससे प्रभावित होकर एक नरकीय जीवन व्यतीत करते हैं। नरकीय जीवन, घर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, एक नरक जैसा माहौल घर के अंदर बन जाता है। तो पत्नी और बच्चे और घर के और जो रहने वाले लोग हैं वो एक नरकीय जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे समाज में एक बुराई है कि वह यह है कि समाज शराबी के साथ साथ उसके परिवार का भी तिरस्कार करता है और समाज में ऐसे परिवार की कोई इज्जत नहीं होती और वह परिवार गलत निर्णयों और हीन भावना से ग्रस्त होकर अपने जीवन को ही समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सब शराबी मनुष्य के कारण होता है, जो शराब को अपना सब कुछ मान लेता है। इस प्रकार शराब के कारण एक हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाता है, जिसका कारण है शराब। हालेलुया। जिसका कारण है शराब। अब शराब छोड़ी भी जा सकती है, यानी कि शराब को नहीं छोड़ा जा सकता। मेरे जीवन में बहुत से ऐसे केस हैं जिनके लिए प्रार्थना की गई और क्या हुआ कि उन भाई लोगों ने शराब को छोड़ा और वो प्रभु की सेवा में लग गए। बहुत से लोग हैं, मैं एक पास्टर भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बहुत पहले बहुत शराब पीते थे, आज वो प्रभु की सेवा में लगे हैं। हालेलुया। तो परिवर्तन, मैंने इसीलिए कहा था शुरू में कि हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। और अगर शराब, हमारे परिवार में कोई भी अगर शराब का आदी है तो हम उनको बताएं कि भाई ये शराब जो है ये शरीर, आत्मा और परिवार और समाज सबको नष्ट कर देती है। ये एक सबसे पहले शराब पीने वाले खुद ये तय करें कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। जब वो अपने अंदर ऐसा एक विल पावर लेके आएंगे कि मैंने शराब नहीं पीनी, तभी जो डॉक्टर होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर कुछ भी कर लें शराब नहीं छूटेगी, क्योंकि क्या होता है कि हम इलाज तो करवाने लगते हैं लेकिन क्या होता है चोरी छुपे हम शराबें पीना फिर भी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और देखा जाता है कि परिवार वाले तो इनके इलाज के लिए तैयार रहते हैं, किंतु व्यक्ति स्वयं इलाज नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसे शराब पीने में आनंद आता है। हालेलुया। और आगे मैं बताता हूं, लिखा है ऐसी हालत में चिकित्सक का प्रयास सार्थक नहीं हो सकता। मनोचिकित्सक केंद्रों में नशा मुक्ति केंद्र होते हैं जहां डिटॉक्सिफिकेशन द्वारा शराब छुड़ाने तथा उसके उपरांत मोटिवेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी तथा ग्रुप थेरेपी द्वारा इससे निजात पाने की कोशिश की जाती है। स्वयं व्यक्ति के प्रबल इच्छा शक्ति और परिवार के सहयोग तथा डॉक्टरों के सतत प्रयास से सफलतापूर्वक इसका इलाज संभव है। इसका इलाज संभव है, शराब छोड़ी जा सकती है। ये जबरदस्ती वाली चीज नहीं है कि हमने पीनी है अब नहीं छूट रही, नहीं, ये छोड़ी जा सकती है। हम जो शराब पीने वाले हैं वो एक विल पावर अपने अंदर लाए, वो अपने अंदर एक इस बात को जान ले कि हाँ अब हमने इसको छोड़ना है तो हम उसे छोड़ सकते हैं। और सबसे आवश्यक बात क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना। हालेलुया। सबसे आवश्यक प्रार्थना है जिसके जरिए हमने बहुतों को शराब के दानव से मुक्ति पाते देखा है। हालेलुया।
प्रार्थना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके मानव से श्राप के श्राप से मुक्ति पाते हुए देखा है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और अब हम देखेंगे बाइबल के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से मेन लाइन चर्च में या बहुत से क्रिश्चियन जो ईसाई लोग हैं, जो पैदाइशी ईसाई हैं, वो लोग शराब को नहीं छोड़ते। वो तो ये कहते हैं कि उनके पास एक वचन है यूहन्ना 2 अध्याय का, यूहन्ना 2 अध्याय, उसमें वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। एक बहुत अच्छे कवाल हैं हमारे, मेरे दोस्त भी हैं वो, और उनका नाम है गुड्डू जेम्स। उन्होंने कवाली लिखी है इसी विषय पर, तो वो इस जो लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ वो उन्हीं की है। वही कहते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। हालेलुया। तो उन लोगों को आज मैं कुछ वचन बताना चाहता हूँ। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। बाइबल से अब हम देखेंगे जहां मैंने छोड़ा था, भजन संहिता 85 अध्याय उसकी 12 आयत। अब हम दोबारा से उस वचन को देखेंगे, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। हालेलुया। तो हमने शराब के जो नुकसान है वो सारे देखे हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसा पदार्थ हमको देगा? वो ये उत्तम पदार्थ है क्या? हालेलुया। ये उत्तम पदार्थ तो नहीं है ना, परमेश्वर ऐसा पदार्थ थोड़ी देगा हमको। लिखा है परमेश्वर हमको उत्तम पदार्थ देगा, वो उत्तम चीजें हमको देता है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? तो ये शराब अच्छी वस्तु थोड़ी है। अभी हमने पढ़ा है कैंसर, निमोनिया, HIV, ये सारी बीमारियां, टाइफाइड और ये TB, ये सारी बीमारियां ये शराब के जरिए हमारे शरीर में आती हैं, मर भी जाता है इंसान, तो ये उत्तम पदार्थ थोड़ी है। तो क्या परमेश्वर वो देगा हमको? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, वो कुछ और चीज है जो यीशु मसीह ने वहां पर बनाई है ना। यूहन्ना 2 अध्याय में जहां पर हड़े भरे थे पानी से और यीशु मसीह ने उनको दाखरस बना दिया, वो शराब नहीं है मेरे दोस्तों। आज हम उसी बात को देखेंगे, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि यहोवा उत्तम पदार्थ देता है हमको, वो हमें कोई घटिया चीज नहीं देगा परमेश्वर हमको, हम उसकी संतान है। याद रखिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया है, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार किया है हमने। इसलिए वो कहता है यूहन्ना 3 अध्याय की 16 आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम किया है, तो इतना प्रेम करने वाला क्या कोई गलत चीज हमको देगा? आप माता पिता हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप माता पिता हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चों को, वो अगर वो मछली मांगे तो सांप दे दो, रोटी मांगे तो आप उसको पत्थर दो, कह ले ये खा ले। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। जब हम नाशमान मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, अपने मुंह का निवाला भी हम अपने बच्चों को दे देते हैं, तो वो तो जीवित परमेश्वर है। आप कल बेटा, हमारे पास तो लिमिट है, तो हमसे मांगेगा तो हम सकते हैं, हो सकता है हम उससे कम करें, लेकिन परमेश्वर के पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, अपरंपार, अपरंपार देगा वो। मैं कहा हम पे भरोसा मत कर बेटा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर से मांग, परमेश्वर अनलिमिटेड देगा। लिखा है कि वो अपने आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा, यानी उसके पास अनलिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास थोड़ा सा है, हम उसी में से ही आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उसके पास दुगना सुख है, उसके पास अपरंपार आशीष है। तो वो सब किसके पास है? परमेश्वर के पास। तो क्या हमें वो गलत चीज देगा? क्या हमें वो देगा, गलत पदार्थ हमें देगा? वो हमें शराब देगा कि लो बेटा ये पियो और बीमारियों से ग्रस्त हो जाओ, लो बेटा शराब पियो और एक दिन मर जाओ, लो बेटा शराब पियो ताकि तुम्हें कैंसर हो जाए, लो बेटा शराब पियो ताकि तुम्हें टाइफाइड हो जाए, लो बेटा शराब पियो ताकि तुम्हें TB हो जाए, लो बेटा शराब पियो ताकि तुम्हें HIV हो जाए, ऐसा करेगा परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, हरगिज नहीं करेगा, 110% परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो
मुझे और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है मेरे दोस्तों। इसीलिए हम वचन को गलत लेकर जब जाते हैं तब हम अपने ही नाश का कारण उस वचन को बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं वहां पर लिखा क्या है जिसको लोगों ने शराब बता दिया। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है, यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा वहां पर क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है फिर तीसरे दिन गलील के काना में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात, यहीं से वो बात शुरू हो जाएगी। बस क्या करता है कि हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने वहां पर किया क्या। ठीक है, तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी ब्याह में नेवते गए थे। उनको इनवाइट किया था, यीशु मसीह को और उनके चेलों को वहां पर इनवाइट किया गया था। जब दाखरस घट गया, ध्यान से सुनिएगा यहां पर एक शब्द आया है जिसको कहते हैं दाखरस। अब मैं दोबारा इसके ऊपर वापस आऊंगा। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि दाखरस अभी घटा था, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मरियम ने आकर क्या कह दिया, उनके पास दाखरस घट गया। इसीलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया, यीशु मसीह ने क्रोध में कहा हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। और निकाह उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति से के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था पानी। और यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, सो उन्होंने उसको मुंहा मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए, तब जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। अब बात यहां पर क्या हो गई, यीशु मसीह कहते हैं कि इसमें से निकालो और उनको परोस दो। दाखरस बनाया गया है यहां पर दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये शब्द बाइबल में, बाइबल जो है सारी शब्दों का हेर फेर है, सारा शब्दों को जिस दिन हम समझ गए बाइबल उसी दिन हमारी समझ में आ जाएगी। सारा रहस्य जो है वो शब्दों में छिपा हुआ है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है दाखरस। दाख का मतलब होता अंगूर और रस का मतलब होता है उसका सत, यानी कि उसका जूस, अंगूर का जूस। अंगूर का जूस शराब नहीं होता, संतरे का जूस शराब नहीं होता, गन्ने का जूस शराब नहीं होता, अनानास का जूस शराब नहीं होता। शराब बनती है केमिकल के द्वारा, जिसमें अल्कोहल डाला जाता है तब वो शराब बनती है। दाखरस, लिख लीजिए आप इस बात को कि दाखरस जो है वो अंगूर का रस होता है, वो अंगूर का रस है, वही यीशु मसीह ने यहां पर बनाया। अब सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, यीशु मसीह ने क्यों दाखरस वहां पर बनाया। तो उसके विषय में एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ा एक शो है और वहां पर एक जादूगर आकर बैठ जाता है। हम लोग जानते नहीं है कि वो जादूगर है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जादूगर है, हम किस, वो ऐसा कैसा काम वहां पर हो कि हम पहचाने के वो जादूगर है। दोस्तों उसको अपना जादू करके दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। उसको अपना जादू करके दिखाना पड़ेगा। जब वो अपना जादू करके दिखा है, इसी को तो बुलाया गया था, इसी को तो आना था। यही काम प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना में किया। 11 आयत में पढ़कर बताऊंगा। यहां लिखा है यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अगर यीशु मसीह आश्चर्यकर्म नहीं करते तो क्या चेले विश्वास करते, नहीं करते। यीशु मसीह को अपने आप को प्रकट करने के लिए
ये आश्चर्य क्रम वहां पर करना पड़ा। अगर वहां पर दाखरस कम नहीं पड़ता तो कोई और आश्चर्य क्रम प्रभु यीशु मसीह करते, लेकिन वहां पर अचानक क्या हुआ, दाखरस कम हो गया। इसीलिए क्या हुआ, वहां पर यीशु मसीह ने यह आश्चर्य क्रम वहां पर किया अपनी महिमा प्रकट करने के लिए और चेलों पर अपने आप को प्रकट करने के लिए, ये बताने के लिए मैं कौन हूं। क्योंकि जब आश्चर्य क्रम होता है उसी को कहते हैं कि अचानक होने वाला जो हो, ये कैसे हो गया, उसी हम कहते हैं, उसी को मौजा कहते हैं। और वो मौजा प्रभु यीशु मसीह ने पहला मौजा किया, पहला आश्चर्य क्रम किया गलील के काना में। वो इसलिए किया ताकि चेले उसको पहचान सके कि ये कौन है, और वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि दाखरस है क्या, दाखरस है क्या। हालेलुया। और उसका रस, दाख रस, ये एक टॉनिक या एक मेडिसिन के तरह यूज किया जाता था उस जमाने में। आइए देखते हैं कहां लिखा है ये, निकाल लीजिए मेरे साथ पहला तिमुथियस पांच अध्याय और उसकी 23 आयत में पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है भविष्य में, यहां पर संत पौलुस हैं, वो तिमुथियस से कह रहे हैं कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला नार है, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा, देखिए हर एक चीज की ज्यादती जो है वो खराब होती है। अगर हम ज्यादा रोटी खा जाएंगे तो वो सब उल्टे हमको उल्टी करनी पड़ेगी। ज्यादा चाय पियेंगे, एक बार में हम 3-4 कप चाय पी जाए वो हमारे को नुकसान करेगी। हम ज्यादा पानी पी जाए वो भी हमें नुकसान करेगा। हम ज्यादा दाखरस, एक बहन ने यहाँ पर एक मैसेज लिखा है, उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, कोमल, बहन कोमल ने एक वर्ष लिखकर डाली है, यहाँ पर मैं पढ़कर बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 18 आयत लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतवाले कब होते हैं, जब हम ज्यादा इसको यूज करेंगे। लेकिन लिखा है यहाँ पर संत पौलुस जो है वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी कि पेट की खराबी के लिए, खाने के बाद हाजमा ठीक करने के लिए दाखरस को प्रयोग में लाया जाता था। इसीलिए वहां पर जो भोज चल रहा था, वहां पर भोज के बाद दाखरस की जरूरत थी, इसीलिए वहां पर वो कम पड़ गया। यीशु मसीह ने वहां पर उस दाखरस को बनाया, ना कि मदिरा को बनाया। और एक आयत और देखता हूं मैं, लूका 10 अध्याय और उसकी 34 आयत पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। लूका 10 अध्याय और उसकी 34 आयत यहां पर इस प्रकार से, कर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये सच्चे पड़ोसी की कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह सुनाते हैं। दाखरस यहाँ पर एक मेडिसिन के जरिए के तौर पर यूज किया जा रहा है। दाखरस यहाँ पर एक हाजमे के दवाई के लिए, जैसे कि हम हाजमोला वगैरह खाने के बाद खाते हैं, उस रीति से इसे यूज किया जा रहा है पुराने जमाने में। जब हम संत पौलुस की इस बात को पढ़ते हैं, जब वो खराब होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी इस्तेमाल किया कर। हालेलुया। अब देखते हैं हम उत्पत्ति 9 अध्याय और उसकी 21 आयत में क्या लिखा है। 9 अध्याय 21 आयत। अब एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं इस आयत को पढ़ने के बाद कि दाखरस क्या है और शराब क्या है। सुन लीजिए, उत्पत्ति 9 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, और वह दाख मधु पी नंगा हो गया। हालेलुया। दोस्तों यहां पर दाख का मतलब होता है अंगूर और रस का मतलब होता है उसका जूस, कभी भी पी सकते हैं हम। हालेलुया। लेकिन दाख मधु जो है वो शराब है। हालेलुया। वो शराब है, क्यों? क्योंकि उसको अंगूरों को सड़ा कर बनाया जाता है, उसे उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, उसमें केमिकल भी डाला जाता है, तब जाकर वो शराब बनती है। अब देखते हैं कि शराब में और दाख मधु में
दाखरस में चांद। बल्कि इससे पहले मैं दो आयते और पढ़ाना चाहता हूँ, यशाया 27 अध्याय 28 अध्याय और उसकी 7 आयत। यशाया 28 अध्याय और उसकी 7 आयत में देखते हैं कि क्या लिखा है। हालेलुया। ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं, याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया है, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते वे भटक जाते और न्याय को भूल न्याय की भूल करते हैं। हालेलुया। दाखरस नहीं लिखा है यहाँ पर, दाखमधु लिखा है मेरे दोस्तों, दाखमधु और मदिरा, ये चीज अलग है। और इसी तरह से होशे नबी की पुस्तक में भी एक बात लिखी है, 4 अध्याय और उसकी 11 आयत, यहाँ पर लिखा है कि वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। दाख मधु, याद रखिएगा इस शब्द को आप, मैंने पहले आपको बताया था बाइबल में शब्दों का रहस्य है। दाख मधु अलग है, दाख रस अलग है। तो यहाँ पर लिखा है वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, यानी कि बासी दाख मधु भी है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो शराब, उसके विषय में लिखा है, ये तीनों बुद्धि को क्या कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। हालेलुया। अब बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं और हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग जो हैं इसीलिए बदनाम हैं कि ये शराब बहुत पीते हैं। जो पैदाइशी ईसाई लोग हैं वो लोग शराब बहुत पीते हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ भारतीय सिनेमा का भी है। उसमें हम देखते हैं फिल्मों में कि जो गुंडे टाइप के जो होते हैं, जो विलियन होते हैं, उनके नाम ही होते हैं, उनके माइकल, डेविड, जॉन, इस तरह के नाम वो रखते हैं और बोतलें इनके हाथ में होती हैं, शराब के नशे में होते हैं, गलत काम करते हैं, डकैती करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरियां करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ये सब लोग, ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है। और उनको देख देख कर क्या करते हैं, हम लोग उनके जैसा करना शुरू कर देते हैं और शराब के हम लोग आदि हो जाते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती मेरे दोस्तों, बाइबल कुछ और बताती है। हमने देखा है तीमुथियस 5 अध्याय और उसकी 23 आयत में, वहां पर लिखा है कि अपने हाजमे के, अपने पेट के खराब होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस यूज किया कर, इस्तेमाल में लाया कर। दाख रस जो है वो एक मेडिसिन है, वो एक हाजमे की चीज है, जो खाने के बाद थोड़ी सी एक कप में पी लें तो हमारा हाजमा सही रहेगा, नहीं तो खट्टी डकारें, एसिडिटी हमें परेशान करेगी, ये इसलिए था। तो इसको क्या कर दिया, लोगों ने शराब समझ लिया। यीशु मसीह शराब क्यों बनाएंगे, और शराब अगर हमें नुकसान पहुंचाती है, मैंने पहले भी बताया शराब से HIV हो सकता है, कैंसर हो सकता है, TB हो सकती है और भी बहुत सारी बीमारियां, लगभग 200 बीमारियां शराब के कारण शरीर में होती हैं और सबसे आखिर में मौत भी हो सकती है। हालेलुया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या यीशु मसीह हमें शराब बनाकर देंगे और कहेंगे कि लो बेटो, लो बच्चों, ये शराब मैंने बनाई है, तुम पियो ताकि तुम्हें कैंसर हो जाए, मैं बहुत खुश होऊंगा इस बात से, ये पियो बेटा शराब ताकि तुम HIV से ग्रस्त हो जाओ, चाहे तुम्हें एड्स हो जाए, तुम चाहे तुम TB से ग्रस्त हो जाओ, तुम मर जाओ, ऐसा करेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें उत्तम पदार्थ देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा है मत्ती 7 अध्याय की 11 आयत में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। और आगे चलेंगे जल्दी से, हम देखते हैं लूका 1 अध्याय और उसकी 15 आयत में। यहां पर अब एक चीज मैं समझाऊंगा आपको कि दाखरस और शराब कैसे अलग हैं। लूका 1 अध्याय और उसकी 15 आयत, 1 अध्याय और उसकी 15 आयत में पढ़कर बता रहा हूं आपको, लिखा है क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और आ रहा है बीच में दाखरस और मदिरा, ये अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, दोनों, दाखरस अलग है, मदिरा अलग है, ये एक ही चीज नहीं है। नहीं तो यहाँ लिखा होता कि वो दाखरस कभी ना पिएगा, ये लिखा होता, या यही लिखा होता कि वो मदिरा कभी नहीं, ये अलग अलग है, दाखरस और मदिरा, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो दाखरस अलग है, दाखरस शराब नहीं है दोस्तों। हम अगर इसको शराब समझ रहे हैं तो हम बाइबल को उल्टा लेकर चल रहे हैं, हम अपने ही नाश का कारण इस बाइबल को बना रहे हैं। यीशु मसीह ने शराब नहीं बनाई मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने बनाया था दाखरस, ताकि वो जो भोजन चल रहा था वहां पर, भोजन के बाद जो थोड़ा थोड़ा दाखरस लोगों को दिया जाता ताकि उनका हाजमा सही रहता। हालेलुया। आइए हम देखते हैं जल्दी जल्दी से कि होता क्या है जब हम शराब के आदि हो जाते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 11 आयत। अभी मैं पहले पढ़कर बता चुका हूं, दाख मधु
या शराब पीने के आत्मिक नुकसान क्या हैं। इनमें से मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, ये पांच बातें हैं, यहाँ पर छह बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम होशे नबी को देखें, मैं एक छोटी सी आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। गलातियों की पुस्तक और उसका पांच अध्याय, गलातियों पांच अध्याय और उसकी 19 आयत हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसमें एक शब्द आया है, मतवालापन। हालेलुया। वो मतवालापन क्या है? जब हम ज्यादातर शराब को ज्यादा यूज करते हैं, जब हम उसके आदि बन जाते हैं कि हमने शराब के बिना नहीं रहना, हमसे रहा ही नहीं जाता, चाहे हम घर का सामान बेचें, चाहे हम अपने घर वालों के जेवर बेच दें, बर्तन बेच दें, कुछ भी हो, घर में खाने को हो ना हो, हमें शराब जरूर चाहिए। चाहे हमारे हाथ पैर ऐसे कांपते हो, हमसे चला ना जाता हो, फिर भी हमें शराब चाहिए। उसे कहते हैं मतवालापन। और यहाँ पर लिखा है कि जो मतवाला मतवालेपन के जो आदि हो जाते हैं, सबसे पहला लिख लीजिए आत्मिक नुकसान उनको क्या है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। दोस्तों, हमारा टारगेट महल खड़े करना नहीं है, हमारा टारगेट मोटर गाड़ियां या हमें टाटा बिरला बनना हमारा टारगेट नहीं है मेरे दोस्तों। हमारा टारगेट एक ही है और वो है अनंत जीवन। हालेलुया। हम अनंत जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम अनंत जीवन की ओर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये मतवालापन एक रुकावट है अनंत जीवन में जाने के लिए। हालेलुया। सबसे पहली जो है वो देखा हमने, शराबी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। गलातियों पांच और उसकी 19, 20 और 21 आयत पढ़कर मैंने बताया है कि मतवालापन करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब देखेंगे हम होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 11 आयत में देखेंगे कि क्या लिखा है। हालेलुया। 4 अध्याय और उसकी 11 आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। दूसरा नुकसान, पहला नुकसान हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, दूसरा नुकसान हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शराब पीने से गूगल से जो सर्च किया था शुरुआत में, मैं आपको बता चुका हूं कि दिमाग के बहुत सारे जो जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं शराब पीने के कारण। तो यही बात बाइबल में भी लिखी है कि लिखा है कि इन तीनों से, वैश्यागमन से भी, ये वैश्यागमन जो है ये अलग विषय है, हम दाख मधु के विषय में देख रहे हैं कि वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। पहला पहला जो नुकसान है वो है अनंत जीवन में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा, दूसरा नुकसान है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तीसरा नुकसान देखेंगे व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण निकाल लीजिए और उसका 21 अध्याय और उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, यदि किसी का हठीला और दंगैत बेटा हो और जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर उसे अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियानों के पास ले जाएं और वे नगर के सियानों से कहें कि हमारा ये बेटा हठीला दंगैत और हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। हालेलुया। ये पियक्कड़ है, उसके विषय में लिखा, पियक्कड़ मनुष्य के विषय में लिखा है कि ये पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पथरवा करके मार डाले, यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। इसका मतलब क्या है? तीसरा जो नुकसान है वो है घर से या देश से निकाल देना, जिसे तड़ी पार भी कहते हैं, या एक शब्द ये भी होता है कि हम क्या करते हैं जब हमारा कोई बेटा या कोई भी हमारा जब इस बात को देखता है कि हम उसको देखते हैं कि ये सही नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको जायदाद से बेदखल कर देते हैं। हालेलुया।
जायदाद से बेदखल कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है इस बात को देखना कि तीसरा जो नुकसान है वो है कि जायदाद से बेदखल हो जाना या तड़ी पार हो जाना। हालेलुया। और उसके बाद चौथा जो नुकसान है वो लिखा है नीति वचन 20 अध्याय। चौथा जो नुकसान है वो नीति वचन 20 अध्याय में लिखा है और उसकी पहली आयत मैं पढ़कर बताऊंगा आपको। नीति वचन 20 अध्याय और उसकी पहली आयत, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। वो बुद्धिमान नहीं है, वो क्या है? वो निर्बुद्धि है, वो निर्बुद्धि है। हालेलुया। वो निर्बुद्धि है। लिखा है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो इसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो निर्बुद्धि हो जाता है। हालेलुया। ध्यान से देखिएगा कि क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कि परमेश्वर हमें इस बात के लिए सजग करता है वचन हमें, कि हम बहुत सी बातों में क्या करते हैं, चूक जाते हैं। और जब हम एक, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है दोस्तों से या रिश्तेदारों से। मिलते हैं, पीले यार कोई नहीं देख रहा, पीले यार कोई नहीं देख रहा, और क्या होता है कि वो एक तरह से फिर धीरे धीरे शराब की आदत पड़ती चली जाती है, और उसके बाद वो शराब जो है वो क्या कर देती है हमें, हम शराब के आदि हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले क्या होता है कि शराब जो है, हम शराब को पीते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद शराब हमको पीना शुरू कर देती है। हालेलुया। शराब हमको पीना शुरू कर देती है और उसका अंत जो है परिवार का विनाश, शरीर का विनाश और समाज में बेइज्जती। हालेलुया। समाज में बेइज्जती। तो चार बातें हमने देखी हैं आज। सबसे पहले हमने देखा कि हम क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाते, हम क्या हो जाते हैं, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हमारी। तीसरी बात क्या हो जाती है, हम जायदाद से बेदखल हो जाते हैं। चौथी बात हमने देखी है कि हम मूर्ख हो जाते हैं, निर्बुद्धि हो जाते हैं। हालेलुया। और पांचवी बात देखेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में पढ़ूंगा। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में पढ़कर बताऊंगा कि यहां पर क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 अध्याय, हालेलुया, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक तुम हमने पहले समय गवाया वो बहुत हुआ। हालेलुया। ये है लुचपन, लुचपन हो जाता हम समाज से अलग हमारा जीवन हो जाता है, लोग घृणित दृष्टि से हमको देखते हैं, ये नुकसान हमको होता है शराब के कारण। और आखिर में रोमियो 13 अध्याय और उसकी 13 आयत में पढ़कर बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखा है। रोमियो 13 अध्याय और उसकी 13 आयत, ये रोमियो 13 और उसकी 13 आयत में लिखा है, जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना व्यभिचार और ना लुचपन में और ना झगड़े और डहा में। जैसा दिन को सोता है, इसका मतलब हम अंधकार के निष्फल काम में लगे हैं। शराब पीना अंधकार का निष्फल काम है मेरे दोस्तों। इसलिए लिखा है कि जो दाखरस है वो एक अंगूर का रस है मेरे दोस्तों, वो शराब नहीं है, उसको हम पी सकते हैं, वो हमारे लिए एक ताजा जूस है, ताजा जूस। हम जूस की दुकान पर जाते हैं, वहां पर मौसमी का जूस पीते हैं, संतरे का जूस पीते हैं, अनानास का जूस पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, इनसे नशा नहीं होता। दाख मधु पीते हैं, वो जो केमिकल के द्वारा बनाई जाती है, जो अंगूर को और वो नशा हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को, हमारे परिवार को नशा के, जो लोग शराब नहीं पीते उनके जीवन होते हैं। हालेलुया। ये बताना बहुत
उनका जीवन कैसा होता है। निकाल लीजिए मेरे साथ डैनियल नबी की पुस्तक, डैनियल नबी की पुस्तक उसका एक अध्याय और उसकी आठ आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। ध्यान से सुनिए डैनियल नबी जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया, थोड़ा सा अगर ऊपर से पढ़ूं तो मैं सही रहेगा, और खोजों ने रखे, अर्थात डैनियल का नाम तो बेलतसस्तर, हननिया का शद्रक, मिशाइल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर पवित्र न होए, इसलिए उसने पवित्र ना होना पड़े। शराब हमें अपवित्र कर देती है दोस्तों, हालेलुया। परमेश्वर से संबंध टूट जाता है, हालेलुया, टूट जाता है। डैनियल यहां पर यही कह रहे हैं जो डैनियल नबी हैं, कहते हैं परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। जब हम ऐसा अपना एक हृदय में रखेंगे कि ये शराब मैंने नहीं पीनी है, तब परमेश्वर भी अपना काम करना शुरू कर देगा। डैनियल नबी ने अपने मन में सोच लिया कि मैं शराब पीकर है पवित्र या परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। और आगे देखें क्या लिखा है, और खोजों के प्रधान ने डैनियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। हालेलुया। अब इसका जो कहना है वो सही है, वो कह रहा है कि अब जब तुम शराब या मांस नहीं खाओगे जो भोजन राजा ने ठहराया तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा तो मुंह लटक जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे मुर्दानगी आपके चेहरे पे छाई हुई है। राजा कहेगा कि तुमने इनको खाने को नहीं दिया, राजा मेरा प्राण जो है वो जोखिम में डालेगा, राजा मेरा सर कलम करवा देगा। तब डैनियल ने उस मुखिया से कहा जिसको खोजो के करने के लिए नियुक्त किया था, उससे डैनियल ने कहा, मैं तेरी विनती करता हूं अपने दासों को 10 दिन तक जांच। 10 दिन का समय डैनियल नबी ने लिया। वो कहते हैं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया कर। शराब नहीं मांग रहा है वो, दाख मधु नहीं मांग रहा है, साग पात और क्या मांग रहा है, पीने के लिए पानी। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के साथ व्यवहार करना। 10 दिन मांगे डैनियल नबी ने और उसे कहा कि देखो 10 दिन देता हूं मैं, हम अपना भोजन खाएंगे, साग पात और पानी पियेंगे, और जो दूसरे जवान है वो मांस खाएंगे और दाख मधु पियेंगे, तो हम कंपेयर कर लेना कि किन के मुंह लटके हुए, फिर अगर हमारे मुंह लटके हों तो हम फिर वही खाएंगे। उनकी ये विनती उसने मान ली और दास 10 दिन तक उनको जांचता रहा, 10 दिन तक उनको देखता रहा, उनको क्या खिला रहा है, साग पात खिला रहा, पानी पिला रहा है। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने ही दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उनके सामने ले आया और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और डैनियल हननिया मिशाइल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर होने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरे, और राजा कुष्ठ राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वो राजा के सामने गए तो उनका चेहरे पे रौनक है और उनको कोई भी मुर्दानगी नहीं छाई हुई, और परमेश्वर ने उनको क्या दिया है, क्या दिया है उनको, ध्यान से सुन लीजिएगा। 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी,
और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया हालेलुया। ये फायदे, ये आत्मिक फायदे हैं शराब ना पीने के। हमने पहले आत्मिक नुकसान देखे थे शराब पीने के, और आज हम इस समय हम देख रहे हैं शराब ना पीने के आत्मिक फायदे। वो क्या है? शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं की बुद्धिमानी और प्रवीणता और सब प्रकार के दर्शन और सपनों का ज्ञान ये परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, ये वो बातें हैं जो एक रहस्य के तौर पर बाइबल में छिपी हुई हैं। वो शब्द हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाइबल में शब्द हैं जिनमें रहस्य। वो शराब नहीं है, दाखरस का मतलब है अंगूर का रस, उसे हम पी सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ये नहीं कि घड़ा उठा पी गए उसके बाद हम डोलने लगेंगे, क्योंकि हर एक चीज में नशा होता है। नशा रोटी में भी होता है, नशा नींद में भी होता है, नशा हर एक चीज में होता है। इसलिए अगर हम ज्यादा पियेंगे तो उसका भी नशा हो जाएगा। इसलिए जो दाखरस है वो पहले के लोगों के लिए एक हाजमे की तरह वो लिया जाता था, और वो भोजन के बाद थोड़ा थोड़ा, जैसे पतरस ने तीमुथियुस से कहा कि अपने बार बार बीमार होने दाखरस भी काम में लाया कर। और यीशु मसीह ने भी कहा, जब वो एक कहानी सुना रहे थे सच्चे पड़ोसी की, कि उसने क्या किया, उस पर उसके घाव पर दाखरस डाला और पट्टी बांधी और वो उसे सराय में ले गया। तो वो एक मेडिसिन है, वो एक हाजमे की चीज है जिसे हम खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन शराब जब हम पीते हैं मेरे दोस्तों, हम शराब के साथ ही बहुत सी चीजें खाते रहते हैं। एक घूट शराब पीते हैं कुछ और खाते हैं, शराब पीते हैं कुछ और खाते हैं। ये तरीका बाइबल में नहीं लिखा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शराब से जो हमें नुकसान होते हैं वो आत्मिक नुकसान है। शराबी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे दोस्तों। शराबी लोग जो हैं उनका जो है परमेश्वर के राज्य से नाम काट दिया जाएगा, और शराबी लोग जो है वो लुचपन में आ जाएंगे और वो अंधकार के निष्फल कामों में लग जाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं यही बताना चाहता था मेरे दोस्तों कि बाइबल शराब के विषय में क्या कहती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। यीशु मसीह ने शराब कहाँ बनाई जो हमने लगाई, इसमें क्या बुराई। हालेलुया। यीशु मसीह ने शराब नहीं बनाई, यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था। दोस्तों याद रखना, दाखरस का अर्थ है दाख मतलब अंगूर, और रस मतलब उसका शत या उसका जूस, उसका रस, अंगूर का रस। दाख मधु शराब है क्योंकि अंगूरों को सड़ा कर बनाई जाती है, उसमें अल्कोहल डाला जाता है, उसमें केमिकल डाला जाता है, तब वो शराब बनती है। जिससे कि मैं बता चुका हूँ शुरुआत में, आप शुरू से मेरा वीडियो देख सकते हैं, शुरुआत में मैंने बताया है कि लगभग 200 प्रकार की बीमारियां हमें लग जाती हैं शराब पीने के बाद, दाख मधु लेने के बाद, मदिरा या बियर ये लेने के बाद हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनमें कुछ बीमारी है कैंसर है और टीबी है और एचआईवी है, एड्स है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। लीवर खराब हो जाता है और लोग मर जाते हैं, आखिर में उसका अंत मृत्यु है। हालेलुया। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, शराब जो है, बाइबल शराब को निग्लेक्ट करती है, बाइबल शराब को कंडम करती है, बाइबल शराब को प्रमोट नहीं करती, बाइबल शराब को किसी भी रीति से सही नहीं बताती। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह दाखरस ना बनाकर दाख मधु बनाते। हालेलुया। याद रखिए, दाखरस शराब नहीं है, दाख मधु शराब है, मदिरा है, मय है, विस्की है, रम है और बियर है। हालेलुया। क्योंकि उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उससे शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा बेकार हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाते हैं, और समाज में शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, लोग उनको हकारत भरी नजर से देखते हैं, शराबी कहकर बुलाते हैं, निकम्मा कहकर बुलाते हैं, पियक्कड़ कहकर बुलाते हैं, नशेड़ी कहकर बुलाते हैं, और ऐसे लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई आदर मान नहीं है। इसलिए
अगर आपके परिवार में कोई भी जन इस शराब का आदि है तो उन्हें बताएं कि यीशु मसीह ने शराब नहीं बनाई थी दोस्त, यीशु मसीह ने तो दाख मधु बनाया था, सॉरी दाखरस बनाया था, जो भोजन के बाद अपने पेट की खराबी के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए, जलन को दूर करने के लिए लिया जाता है ताकि हमारा हाजमा सही रहे। हालेलुया। आइए उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके घर में शराब के आदि लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पर शराब की आदत से हमको छुटकारा दे। मेरे साथ आंखें बंद कर लीजिए और उन लोगों को अपने मन में याद कीजिए जो आपके घर में शराब के आदि हैं। हालेलुया। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया। प्रभु जी तूने वचन को सुनने के लिए, कान ग्रहण करने वाला हृदय समझने के लिए बुद्धि दी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु के इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीषित हों प्रभु जी, और जिनके घरों में प्रभु जी शराब के आदि लोग हैं प्रभु, आज मैं उनके लिए विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, हृदय से मांगता हूँ प्रभु जी उनकी शराब की दुष्टात्मा को उनके शरीर से दूर कर दे मेरे परमेश्वर, शराब की दुष्टात्मा को शराब के श्राप से प्रभु अपने बच्चों को छुटकारा दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तुझ में आगे बढ़े प्रभु जी, तेरी तेरी शख्सियत को जाने मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ को जाने मेरे और अपने आप को तेरे राज्य के लिए तैयार कर सके प्रभु। हालेलुया प्रभु। जिन घरों में भी ऐसे लोग हैं प्रभु जो शराब के आदि हैं, जो शराब के बिना नहीं रह सकते, उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ, हरेक के सर के ऊपर अपना सामर्थ्य हाथ रख प्रभु, ताकि उनके शराब पीने की आदत छूट जाए प्रभु, और वो तुझे धन्यवाद देने वाले बन सके, तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को भी सुन लिया, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने पूरा मैसेज करने में मदद सहायता की, और ये पूरा मैसेज आप सुन चुके हैं, आपने जान लिया है आज कि यीशु मसीह ने क्या बनाया था और लोग क्या समझते हैं। बहुत जरूरी है वचन को अच्छी तरह से समझना और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। हालेलुया। ये जो मैसेज है मैं YouTube पर अपलोड करूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। YouTube पर मेरा चैनल है, इसका नाम है हकीकत द रियलिटी, आप उसमें मेरे मैसेजेस देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बीते दिनों मैंने एक मैसेज डाला था मुर्दों की ईद, इसके विषय में, तो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो बहुत उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया मुझे, और बहुत से लोग वापस चले गए, तो मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। मेरा काम है सच्चाई से प्रचार करना, और मैं ये नहीं चाहता कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो ना देकर मैं अपनी सोच, मैं इस बात से विचलित नहीं हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है। कोई बात नहीं, और भी लोग आएंगे जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वचनों को, जो मेरे नहीं बातों को सिखाता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और हर दो धारी तलवार से चोखा और पैना है, वो आपको भी काटता है और मुझे भी काटता है। वो वचन पहले मेरे लिए है, बाद में आपके लिए है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर हर समय आपके साथ रहे, और आने वाले दिनों में क्रिसमस की हर एक जरूरतें परमेश्वर अपने खजाने से आपकी पूरी करे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले।